Hi, this is Mehmood Nanji with another story of success. Today, जो हमारे मुल्क के हालात हैं नाजरीन, आपको पता है कराची में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, सरहद में क्या हो रहा है. अब इस प्रोग्राम का एसेंस ये है कि हम इन हालात को देखकर या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, छोड़ दें, कौन किसको क्या कर रहा है ये समझ में तो नहीं आता. लेकिन जो इस प्रोग्राम का बैकग्राउंड रहा है वो ये है कि इन हालात में भी हम ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने विजन के मुताबिक चलते जाते हैं और अल्लाह ताला ने इसी मुल्क में उनको कामयाबी दी है और इसी हालात में वो काम करते चले जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं. तो पाकिस्तान में भी अल्लाह के फजल करम से अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर हार्ड वर्क आप करते हैं तो ये हार्ड वर्क आपको एक रिजल्ट यील्ड करता है. आज हमारा प्रोग्राम है नाजरीन लिटरेसी पे और एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं द सिटीजन्स फाउंडेशन, जो हम पूछेंगे बाद में कि वो ट्रस्ट है कि फाउंडेशन है, लेकिन द सिटीजन्स फाउंडेशन ने जो कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में किया है, पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं कि आज बड़े फख्र के साथ वो मेरे साथ बैठें और अपनी स्टोरी ऑफ सक्सेस हमें सुनाएं. इनकी स्टोरी ऑफ सक्सेस जो है वो इतनी लंबी है नाजरीन कि मेरे ख्याल में आधे घंटे में तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे उसको, लेकिन इट इज माय प्रिविलेज एंड प्लेजर टू प्रेजेंट टू यू मिस्टर मुश्ताक छापरा, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सिटीजंस फाउंडेशन. वेलकम टू माय शो सर. अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई. पहले तो ये कि मुबारकबाद आपको कि अभी इस इलेक्शंस में आप जो है वो चेयरमैन बने हैं, इससे पहले कोई और साहब थे. मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा मुतासिर हूं और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहूं आप खुद ही कहेंगे, लेकिन मेरी नाजरीन के लिए मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स पढ़ा दूं. नाजरीन आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने एक स्टेटिस्टिक्स आपको प्रेजेंट की थी कि पाकिस्तान की लिटरेसी जो है वो 24% से जंप होकर 47% आ गई है. अब कहते हैं कि 50% का इफेक्टिव फिगर है. हमारे जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट 56% है. टोटल हमारी जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट की स्कूल 1,80,000 हैं और बकाया जो है 70,000 वो प्राइवेट स्कूल्स हैं. अच्छा, 1,80,000 स्कूल्स में प्राइमरी 1,35,000 है और सेकेंडरी 45,000 है. ड्रॉप आउट रेट इस मुल्क में एक बच्चा रहता है तीन बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं. प्राइमरी स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट इज 33% और सेकेंडरी स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट इज 66%. और जितने भी हमारे मेहमान आए हैं नाजरीन, आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि हम अपने बच्चों की तालीम कराना चाहते हैं और लिबर्टी बुक स्टॉल ने कहा कि लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से वो नहीं पढ़ पाते. सिटीजन फाउंडेशन को जो रिकग्निशन मिली है दुनिया भर में उसके बारे में मुश्ताक भाई बताएंगे. अब मैं खामोश रहता हूं. ओवर टू यू मुश्ताक भाई. मुझे ये बताइए मुश्ताक भाई कि दिस इज योर शो, द सिटीजन फाउंडेशन शो. मुश्ताक भाई ये बताइए कि ये कैसे आपने, ये कब शुरू हुआ, ये कैसे ख्याल आया और फिर आपको इसको कैसे लेके चले? पहले तो मैं आपका और इंडस विजन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं आज आपके सामने बैठ कर ये कहानी, ये कामयाब कहानी मैं आपसे शेयर करूँ. आधा घंटा है. हाँ, मतलब आपने सही कहा, आपने सही कहा कि मैं और मेरे जो दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया तकरीबन 14 साल पहले, हम लोग इमोशनली अटैच्ड हैं और हम जज्बाती हो भी जाते हैं जब हम इसकी बात करना शुरू करते हैं. सही बात. तो इट्स एंडलेस, लेकिन इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू कीप इट विद इन द टाइम लिमिट. 14 साल पहले कमोबेश हालात या तो जो आज हालात हैं उससे कुछ बदतर थे या कमोबेश इस तरह के ही हालात थे जहां किडनैपिंग्स फॉर रैंसम या किसी की माल, किसी की औलाद, किसी के घर महफूज नहीं थे. सही बात. उस वक्त में हमने बहुत से, हमारे जहनों पे बहुत से ख्यालात आए, क्या किया जाए, किस तरह से मुल्क छोड़ के चले जाएं. और बेशतर हमारे भाई बहन जो हैं उनको एक बड़ा एक बड़ा दिलचस्प मशगला है कि ड्राइंग रूम में बैठ के, डिनर पार्टीज पे बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ बातें होती हैं, हालात के खिलाफ बातें होती है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती है कि पाकिस्तान अब कुछ नहीं हो सकता. मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई, तो मुझे तो, मेरे नाजरीन को बताना है आपने किया क्या. तो क्वेश्चन ये है कि वी पिन पॉइंट, वी जीरोड इन. हमने कहा साहब देखें, एजुकेशन और वो भी प्राइमरी एजुकेशन,
ऐसी चीज है कि जिसके अंदर क्वालिटी गायब हो चुकी है, अब वजूहात सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, और वो क्वालिटी को अगर हम किसी तरीके से वापस ले आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि लिटरेसी इंप्रूव हो जाएगी हमारे बच्चों की, हमारे पॉपुलेशन की, बल्कि आप बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई भी चीज ले लें, हेल्थ ले लें, 40% हाइजीन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप फैमिली प्लानिंग ले लें, इंटॉलरेंस ले लें, और वो लिस्ट चलती जाएगी, आप देखेंगे कि वो लिस्ट बड़ी वसी हो जाएगी, कि एजुकेशन अगर किसी को दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रॉब्लम्स आपके इफ सॉल्व नहीं होंगे तो लेकिन कम से कम उसका एक कंट्रोल में आना। तो किस्सा ये हुआ कि हम 6 दोस्तों ने मिल के फैसला किया, 4-5 चीजें हम करेंगे। एक तो ये कि एक मैक्रो लेवल पे काम करेंगे, यानी सारे मुल्क में नेशनली काम होगा, कम से कम 1000 स्कूल्स हम बनाएंगे। तीसरी चीज ये कि स्कूल बने जनाब आली, हमने अपने ऊपर टारगेट इस किस्म का रखा कि ये 50 या 25 या 100 स्कूलों का रखते तो आज कभी भी कामयाबी नहीं होती। हमने कहा 1000 स्कूल बनेंगे, सारे मुल्क में बनेंगे, को एजुकेशन सिस्टम होगी, ठीक है, और इसमें गरीब गांव गोठ यानी विलेजेस और स्लम्स ऑफ पाकिस्तान में हम जाएंगे, और ऐसी जगह पे जाएंगे जहां गवर्नमेंट के भी स्कूल्स नहीं, और फिर ये खुदा करे हमारे काम हमारी काविश कामयाब हो, हम फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे जाके कि ये मॉडल अब आप ही का, क्योंकि करिकुलम गवर्नमेंट का है। सही बात। और हमने उसमें कुछ सिस्टम्स ऐसे डाले, क्योंकि देखिए हम सब कारोबारी और प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने तजुर्बे को इस तरफ हमने मोड़ा है, हमने सारे जो हमने जो कारोबार में तरकीबें सीखी है जो हम करते हैं वो हमने कहा कि इसमें हम डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 स्कूलों का सफर 1995 में शुरू हुआ था, आज हम 2010 में बैठे हैं, और महमूद 1 अप्रैल 2010 को 660वें स्कूल के दरवाजे इंशाल्लाह ताला खुलेंगे। माशाल्लाह। ये बताइए मुश्ताक भाई कि जब आप लोग दोस्त लोग बैठे हुए थे, जाहिर सी बात है कि मेरे नाज़रीन को मैं ये बता चलूं कि मुश्ताक साहब इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑल्सो, और इनके जो दोस्त का ग्रुप की ये बात कर रहे हैं वो भी सारे के सारे सक्सेसफुल। ऐसा हुआ कि आपने कहा कि भाई आप जो है वो बिजनेस को छोड़ दें, अपने भाई को दे दें और चलाएं, कि आप सब ने डिसाइड किया कि हम अपने अपने तई उसको कंट्रीब्यूट करेंगे उस बिजनेस में, क्योंकि ये तो सोशल वेलफेयर है, ये वॉलंटरी काम है। देखिए सर, कोई भी काम जिस पे पूरा ध्यान पूरी मेहनत पूरी लगन नहीं लगती वो कामयाब नहीं हो सकता, ये हमने अपने कारोबार से सीखा है। करेक्ट।